नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंटरनेट, जी हां, वही इंटरनेट जो हम सब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में और दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस इंटरनेट का इस्तेमाल आपको जरा सावधानी से करना होगा, क्योंकि आप इसी इंटरनेट को हथियार बनाकर लुटेरे आपको लूट कर ले जा रहे हैं। दुनिया भर में साइबर ठगी के केस तेजी के साथ सामने आने लगे हैं। साइबर फ्रॉड या फिर कहें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। साइबर ठग नित नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि लोन के झांसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ढेरों लोग फंसने लगे हैं। इनकी तरफ से भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक कर खातों से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां भी अपने मूल पैसों की वापसी के बाद मनमानी पैसे वसूल रही हैं। पुलिस के पास ऐसी ढेरों शिकायतें आ रही हैं। उधर दुर्ग के भिलाई में फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी और ठगी करने के मामला सामने आया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने गिरोह के सरगना सलीम समेत 4 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और ऐसे ना जाने कितने केसेस हम दिन रात सुनते हैं। इस केस में आरोपियों के पास से अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपियों से संबंधित दर्जनों बैंक खातों को सील करके उपलब्ध रकम को फ्रीज कर दिया गया। हालांकि ऐसे कई मामले लगातार आते हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी साथ में होंगे मौजूद, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रायपुर साइबर सेल प्रभारी गिरीश तिवारी का क्या कुछ कहना है। अनोन लिंक्स आ रहे हैं, लोगों को चाहिए ऐसा करना चाहिए कि कोई भी अनोन लिंक्स को ना ओपन करें जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे लिंक्स को अवॉइड करना चाहिए और उसको ओपन करने से बचना चाहिए। जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से अश्योर्ड नहीं है, ऐसे लिंक से अपने आप को दूर रखना चाहिए। स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और उनको ये जागृत करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के जो घटनाएं हो रही हैं उनसे कैसे बचा जाए, और उनको लगातार बता रहे हैं कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये मेल्स के थ्रू हो, चाहे ये अनोन लिंक्स आते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, इनको कैसे अवॉइड किया जाए। और अवेयरनेस कैंपेन के अलावा हम जैसे इस प्रकार के केसेस में भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, एक्यूज्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर विद इन टाइम हमारे पास में ये सूचना पहुंचती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनके पैसे को ब्लॉक करा के रिफंड कराने का भी प्रयास करते हैं। तो उनको तुरंत साइबर सेल को कंप्लेंट करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। पॉसिबल हो तो वो अपने अकाउंट्स को होल्ड कराएं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो जो भी पूरे डिटेल्स हैं उसको लेके तत्काल 24 घंटे के भीतर भीतर साइबर सेल को जाना। तो सतर्कता और सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने जरा सी लापरवाही की तो आप कंगाल हो सकते हैं। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर किन किन सावधानियों को हमें अपने जीवन में बरतना होगा ताकि हम इन साइबर ठगों से बच सकें। एक फोन कॉल आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है इन साइबर ठगों से। अपने निजी जानकारियां सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल हर कोई करता है। अपनी निजी जानकारी को आपको शेयर नहीं करना किसी के साथ। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल साइट्स पर एक्सेप्ट ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनजान लोग आपसे दोस्ती करते हैं और इसी बहाने आपको अपना शिकार बनाते हैं। ऑनलाइन खरीदारी अच्छे प्लेटफॉर्म से करें। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही शॉपिंग करें, ताकि आप जो अपने कार्ड की जानकारी, अकाउंट की डिटेल उसमें सबमिट करेंगे वो कहीं लीक ना हो जाए, उसको कोई हैक ना कर ले। अनजान नंबर से भेजे वेब लिंक पर क्लिक करने से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आपके मोबाइल पर आप SMS के जरिया, मेल के थ्रू लिंक्स भेजे जाते हैं, उन पर आपको क्लिक बिल्कुल नहीं करना। समय पर अपनी ID का पासवर्ड बदलते रहें। जो भी इंटरनेट बैंकिंग आपकी है, मोबाइल बैंकिंग है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो पासवर्ड हैं उनको बदलते रहें। लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड भी गोपनीय रखें, किसी के साथ शेयर ना करें और ऐसा बनाएं जो कि कोई पकड़ ना पाए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग यूजर ID आपकी होनी चाहिए।
मनी ट्रांसफर ऐप का उपयोग करने के बाद तुरंत वहां से लॉग आउट करें, उसको लॉक इन ना रखें। तो चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। साइबर एक्सपर्ट हैं मुनाली गुहा। मुनाली गुहा आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सोशल एक्टिविस्ट हैं कुणाल शुक्ला। कुणाल शुक्ला आपका स्वागत है हमारे साथ ग्वालियर से। साइबर सेल से टीआई दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश गुप्ता आपका स्वागत है। सबसे पहले मुनाली गुहा शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं, सबसे बेसिक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, सावधान कैसे रहें? यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि हमें लोगों पे ट्रस्ट करने से बचना पड़ेगा। जो भी अनजान लोग हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर कोई लिंक भेजते हैं या SMS के जरिए किसी भी तरह का ऑफर देते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। खास बात यहाँ पर यह है कि अक्सर हमने भी यही देखा अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि जो भी साइबर क्राइम जो कहीं ना कहीं यूजर की साइड से ट्रिगर होते हैं, यानी कि अगर अपराधी आपको कनेक्ट करता है और आप कहीं ना कहीं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोऑपरेट कर देते हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि कि आपके साथ में कोई साइबर अपराध हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज यही है, जैसा कि अभी शो पे भी बताया गया कि हम अनजान लोगों पर ट्रस्ट ना करें, उनके द्वारा भेजी गई किसी लिंक पर हम क्लिक ना करें। अब इनका नया ठगी का तरीका शुरू हुआ है लोन देने के नाम पर। ये लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी ए नाम के पर्सन को यदि अगर इनको ठगना है या किसी के साथ ठगी करनी है तो पहले ये लोग उनके आसपास के लोगों के कॉन्टेक्ट अरेंज करते हैं। इसके कई माध्यम है, सोशल मीडिया के जरिए से, किसी ऐप के थ्रू या कोई लिंक भेजकर, बहुत से तरीकों से ये लोग पहले उस व्यक्ति को घेरने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ में जो भी कॉन्टेक्ट है उनको ये लोग कॉल करके कहते हैं कि ए नाम के व्यक्ति ने अपना लोन पूरा नहीं किया है तो अब उसके बदले में आप हमें ये लोन पूरा चुकाएंगे, आपके पासबुक के फ्रंट पेज की फोटो हमारे पास है, यदि आप सीधे से पैसे नहीं देते हैं तो हम खुद आपके खाते से पैसे निकाल लेंगे। और इस तरह से तमाम चीजों से डराकर फिर एक फेक मैसेज को भेजते हैं जिसमें कि जीरो बैलेंस लिखा हुआ आता है कि आपके खाते के पूरे पैसे कट गए हैं। वहां से अब ये कहते हैं कि अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो आप हमें OTP बताइए और तमाम तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फिर इनके साथ ठगी करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर पहले झूठ बोलकर फंसाते हैं फिर उनके साथ ठगी होती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, अनजान लोगों पर हम कभी भी विश्वास ना करें। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, बहुत ज्यादा जरूरी है सावधान रहना। और मुलानी जी ने जो अभी बातें कही बहुत ज्यादा जरूरी, सतर्कता सावधानी बेहद जरूरी है, खासकर ऐसे मामलों में। अभी हाल ही में रायपुर और दुर्ग से केसेस सामने आए हैं, इनमें भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कि हम केसेस में सुनते आते हैं और अलग अलग तरीके ये लोग निकाल रहे हैं। इतने हौसले इन लोगों की बुलंद हैं, क्यों हमारी जो टेक्निक है वो इनको रोक नहीं पा रही है, कहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं? दिनेश जी। हाँ जी नमस्कार। नहीं ऐसा है, तकनीकी के मामले में अपन लोग पीछे नहीं है जी। कहीं ना कहीं हमारा जो है ना एक तो लालच जुड़ जाता है और गलतियां हम ही खुद करते हैं। अब मैं आपको जैसे बताता हूं कि ये हम सब लोग जानते हैं कि हमको हमारा जो सीक्रेट पिन होता है जी वो कब एंटर करते हैं, जब हमको पैसा निकालना होता है। लेकिन ये लोग जो फ्रॉडस्टर होते हैं ये उनको बातों में ऐसा उलझा लेते हैं कि हम तो आपके खाते में पैसा भेज रहे हैं, आपके खाते में पैसा भेज रहे हैं, ऐसा कह करके वो उनको पिन डलवा लेते हैं कि वो आपके पास एक OTP आएगा, आपके खाते में पैसा जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं हमको जागरूक तो होना पड़ेगा, हमको ये सोचना होगा कि हमको पिन, हमारे खाते में पैसा आ रहा है तो हमें पिन की आवश्यकता क्यों हो रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ धोखा हो जाता है। बाकी हम लोग टेक्निकली ऐसे कहीं वीक नहीं है। दूसरा, कोई भी हम ऐप या कोई भी माध्यम हम उपयोग कर रहे हैं उसके उपयोग करने से पहले हमको उसकी उपयोग करने के संबंध में अच्छा ज्ञान होना चाहिए जी। ऑनलाइन हम बैंकिंग यूज कर रहे हैं, फोन पे या कोई भी हम ऐप यूज कर रहे हैं तो इनके बारे में हमको जानना जरूरी है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब कोई भी एक अननोन पर्सन है हमें लिंक भेज रहा है या हमें कोई एक स्कैन करने के लिए बारकोड भेज रहा है और कह रहा है कि आपने इतने रुपए जीत लिए हैं, आपका इस तरह का ऑफर आया है, आपको पैसे देना, आप पैसे ले लें जी। तो इस तरह से हमें उन पर विश्वास नहीं करना है, अननोन पर्सन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। बाकी जहां भी कहीं गड़बड़ होती है, कहीं किसी के साथ ठगी होती है तो उस तक पहुंचा जा सकता है, पहुंचते हैं जी, पर पहले हमें बहुत ही सतर्क होना जरूरी है उस जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में, उसको उपयोग करने की
पूरे जो तकनीकी है वो हमको पता होना चाहिए, जो हमारे पासवर्ड है, हमारी आईडीज हैं, ये हमको बहुत ही सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना है। और कहीं ना कहीं हम उनकी बातों में फंस करके लालच में, मतलब बातों में फंस करके, लेकिन लालच हमारे मन में पैदा हो गया ना कि हमको पैसा मिल रहा है जी, पर हम ये नहीं सोचते कि हमें मुफ्त में पैसा क्यों मिल रहा है। ऐसे हमारा, अगर सोशल मीडिया की बात करें, हम लोग फेसबुक बना लेते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, परंतु हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, परंतु एक शौक बस हम बना के चला रहे हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो, ठीक है आज का समय है, हमें उपयोग करना है, हमको उनके साथ आना है, तो उसके बारे में हमें सतर्क रहें। हम पासवर्ड बना रहे हैं, पासवर्ड को हमको स्ट्रांग बनाना है, और उस पासवर्ड को छुपा के भी रखना है हमें, कि हमारा, यहां तक कि हमारा कोई नजदीकी हमारे मिलने वाले को भी वो पता ना चले। दूसरा, हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, वहां भी हम कुछ लापरवाहियां कर जाते हैं जिसका कि ये लोग लाभ उठा लेते हैं। एटीएम में हम पैसा निकालने गए, संकोच बस हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है, हम उससे नहीं कह पा रहे हैं कि आप प्लीज आप बाहर निकल जाएं, पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनमें ही घूम फिर के कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड स्टार खड़ा हुआ है, आपके पीछे खड़े हो गए, आपका पिन देख लिया है डालते हुए, या आप कहीं अटक रहे हैं तो वो आपकी मदद करने के नाम पर आपसे पिन जान लेते हैं, वहां पर एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा देते हैं, इसकी मार उसमें आपका एटीएम का कार्ड क्लोन हो गया, ऊपर से आपका पासवर्ड उसने देख ही लिया। तो इन चीजों से भी हमको बचना है, इनमें थोड़ा सा हमको सावधान रहना है, हर स्टेज पे सावधान रहें, भले ही हम कोई भी आज की तकनीक यूज करें, बस केवल सतर्क रहें, हमारे साथ धोखा नहीं होगा। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा जी, आपके पास मैं लौटूंगा। कुणाल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। सोशल मीडिया आजकल सभी लोग यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हम अकाउंट अपने प्लेटफॉर्म्स पर बनाते हैं, जितना ज्यादा आसान हमारी जिंदगी को सोशल मीडिया ने कर दिया है, इंटरनेट बैंकिंग ने कर दिया है, मोबाइल बैंकिंग ने कर दिया है, उतनी ही ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि एक लापरवाही, एक लालच, एक गलती कंगाल बना दे रही है। कैसे बचें कुणाल जी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सिमट कर इस स्मार्टफोन पर आ गई है, इस स्मार्टफोन से हम बैंकिंग कर रहे हैं, इस स्मार्टफोन से हम शॉपिंग कर रहे हैं, और आज इस स्मार्टफोन से हम सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो लाइव हम दे रहे हैं ये भी हम इस स्मार्टफोन के माध्यम से दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने नित नई समस्याएं भी क्रिएट की हैं, जीवन को सरल सहज तो बनाई है, परंतु समस्याएं भी उत्पन्न कर दी हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, यह महत्वपूर्ण है। तो एक नागरिक के रूप में मैं अपना अनुभव यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो पुलिस है या बैंक है, वह आपको समय समय पे सचेत तो करते ही है, साथ ही साथ अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो जो मेरे छोटे बच्चे हैं वह भी इस मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड करते हैं। अब जो ठग हैं वो समय समय पे आपको ऐसे लिंक भेजते हैं, आपको ऐसे पोर्टल्स की जो है साइट भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, कि उसको हम अगर क्लिक करें तो वह आपका अकाउंट हैक कर लेते। तो मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनको तक हमने अलर्ट करके रखा है कि बेटा यह गेम आपको डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी लिंक आपको अपलोड नहीं करना है, आपको मोबाइल गेम को आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो इस तरह की सावधानियों से आप बच सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो साइबर एक्सपर्ट बैठे हैं ग्वालियर से, वह भी बता रहे हैं कि जो लालच है ना, उस लालच से भी हमको बचना चाहिए। खासतौर से आजकल व्हाट्सएप में मैं बात करूं तो रायपुर ही नहीं, दुर्ग, भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ में केबीसी के नाम से ठगी हो रही है। केबीसी के नाम से लिंक जो है व्हाट्सएप पर आ रहा है, मेरे पास रोज 3-4 दिन में लिंक आता है और पाकिस्तान के नंबर से आ रहा है, और अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपका पूरा अकाउंट जो है, रायपुर पुलिस समय समय पे आपको सतर्क करती रही है इस माध्यम से, कई लोगों के साथ ठगी भी हुई है, और लोग जो है ठगाए हैं, लाखों रुपए ठगाए, उसके बाद भी मैं ऐसे कई पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, किसी स्कूल में शिक्षक हैं, या बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वह भी इस लालच के दलदल में फंसकर ठगी का शिकार हो गए हैं। तो आपको अपने बैंकर की बात मानना है, आपको पुलिस की बात मानना है, आपको साइबर एक्सपर्ट की बात मानना है कि किसी भी प्रकार का लिंक आप ओपन ना करें, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, तभी इस यही सावधानियां बरत के ही मैं आज तक इस ठगी से बचा हूं। ठीक है मुनाली जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आ रहा हूं।
मेरे साथ अभी हाल ही में दो घटना हुई, मैं अपनी घटना का जिक्र कर रहा हूं आपके साथ और आप बताइएगा, क्योंकि मैं तो बच गया, बाकी लोग कैसे बचें। एक मेरे पास कॉल आया, मुझसे पूछा गया कि मेरे को बताया गया कि मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं। उसने ये नहीं बताया कि कौन से बैंक से है या किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का नाम लिया और मुझसे पूछा कि आप जो कार्ड यूज कर रहे हैं उसका एनवलप आपके पास होगा, उसमें एक लोगो को ही बताया गया, उसका रंग कैसा है ये मुझसे पूछा गया। मुझे डाउट हुआ, मैंने बात नहीं की, मैंने फोन काट दिया। दूसरी घटना मेरे साथ हुई, मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है एसबीआई योनो से। वो जो एसबीआई योनो था उस मैसेज पर मुझे डाउट हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा जो कि एसबीआई में है, तो उसने मुझे बताया कि दरअसल जो एसबीआई योनो लिखा हुआ था वो योनो में YONO नहीं था बल्कि Y0N0 था, ऐसे मैसेज कर रहे हैं। और जब उस लिंक पर क्लिक किया तो हूबहू बिल्कुल एसबीआई की साइट उन लोगों ने बना रखी थी। मना लीजिए, देखिए, हाँ जी, पहले वाले केस में तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यदि कोई आपको कॉल करके इस तरह के इंडिकेशन देता है तो उनका सीधा सा इंटेंशन यही होता है कि वो आपके बैंक का नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा हर बैंक का अपना एक अलग लोगो होता है और उसमें अलग रंग होता है। जैसे कि हम एक्सिस की बात करें तो वहां पे कुछ मैजेंटा सा, हल्का सा पिंक एंड थोड़ा सा कथा जैसा कलर होता है, यूनियन का अलग कलर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, एसबीआई का अलग है। तो ये सिर्फ रंग से ये पहचानना चाहते हैं कि वो बैंक कौन सा है, उस हिसाब से वो ठगी करते हैं। तो यहाँ से यूजर से पहली अपील तो यही है कि वो बिल्कुल भी ना बताएं कि वो किस तरह का बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कार्ड का रंग क्या है। कोई भी बैंक आपसे किसी इस तरह की कभी कोई जानकारी नहीं पूछेगा, ना ही वो आपको बैंकिंग किसी ट्रांजेक्शन को लेकर कॉल करेगा। ये पहली चीज हुई। दूसरा ये है कि यदि कोई इस तरह से आपको किसी भी तरह से कॉल करता है, इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो आप सीधे तौर पर समझ जाइए कि ये लोग सीधे सीधे तौर पर ठग हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगी कि किसी भी तरीके से यदि कोई आपसे फाइनेंशियल मैटर पर बात कर रहा है तो आप तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दें। आप एक इसको इस तरह से समझिए कि यदि कोई भी बैंक संबंधी बातचीत हो रही है तो आप मानकर चलिए कि यहाँ से ही ठगी होने की संभावना है, क्योंकि बैंक आपको कभी कॉल नहीं करेगा। तो कोई आपको किसी तरह का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को कह रहा है, कोई लिंक भेज रहा है, तो संभल कर रहिए। दूसरी बात ये होती है कि हम फिशिंग लिंक और ओरिजिनल लिंक को कैसे पहचाने। जैसे कि अभी आपने कहा था कि एक लिंक आई है जिसमें कि ओ की जगह जीरो लिखा हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे से चेंजेस करते हैं, माइनर चेंजेस, और फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं जिसे फिशिंग की टेक्निक कहा जाता है। ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ये दिखाई देती है, लोगों को कहा जाता है कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह एंटर कीजिए और ये पासवर्ड सीधे तौर पर जाते हैं हैकर्स के पास, जिसके बाद वो उसमें लॉग इन करके ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ लोगों को समझने की जरूरत ये है कि आप वेबसाइट्स के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करने से बचिए। हर बैंक का अपना एक ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, चाहे आप कोई भी बैंक इस्तेमाल करते हो, आप उसका इस्तेमाल करें। और फेक और रियल वेबसाइट को पहचाने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर कोई हैकर अपना फिशिंग पेज आपको भेजता है तो आप देखेंगे कि जो वेब एड्रेस होता है जहां पर www.xyz.com वगैरह लिखा होता है, वहां पर आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे 192.168.something. तो अगर वो नंबर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज एन आईपी एड्रेस, आपको वहां पर कोई भी लॉगिन वगैरह नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखकर पीछे ऑफिशियल कीवर्ड जरूर लिखिए, या ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल बैंक वेबसाइट, और फिर आप एंटर करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट सामने दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि चाहे बैंकिंग की कोई भी सर्विस हो, आप पूरी हैबिट अपनी ये बनाए कि आप ऑफिशियल बैंक एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करें। वही आपको तुरंत वो ऑप्शन दिख जाता है कि आप कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा एफडी करके रखिए, क्योंकि फिर उस चीज को प्रॉपर सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी बैंक की होती है, तो यहाँ से आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। यदि कोई आपसे कॉल करके कोई ऐप इंस्टॉल करने को कहता है तो सीधे तौर पर मना कीजिए और फोन डिस्कनेक्ट कीजिए, पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपकी स्क्रीन की मॉनिटरिंग की जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप अपना बैलेंस चेक कीजिए। आप अपना जब बैलेंस चेक करते हैं तो वो स्क्रीन अपराधी को भी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि अगर मैक्सिमम बैलेंस 90,000 का है तो ट्रांजेक्शन इसी के अंदर करना होगा, और वो उतने की मनी रिक्वेस्ट भेज देता है। तो ये तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिसे समझ के रहने की जरूरत है। और एक इंपॉर्टेंट चीज में ये भी कहना चाहूंगी कि यदि आपके पास कोई लिंक आती है तो उस पर आप क्लिक करने से बचिए। और यदि आप क्लिक कर देते हैं तो दो संभावना होती है, या तो वो आपसे कोई फॉर्म भरने के लिए कहेगा जिसमें आपका आईडी पासवर्ड लॉगिन वगैरह होगा, दूसरा कि कुछ ना कुछ ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लगेंगे। तो इन दोनों ही चीजों से बचिए, प्लस अपने फोन पर एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस जरूर रखिए। ये आपको सेफ पेमेंट वगैरह की भी फैसिलिटी देते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कोई फेक या फिशिंग वेबसाइट्स तो नहीं है। तो तमाम तरह की ये जो अगर छोटी छोटी चीजों का आप इस्तेमाल करें, काफी हद तक आप इस तरह की ठगी से बच सकते हैं। ठीक है दिनेश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आप इन लोगों को पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि ये लोग तो अपना नंबर बंद कर लेते हैं, लोकेशन चेंज कर देते हैं, आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं, बहुत सारी टेक्निक इन लोगों को आती है, तो कैसे कंट्रोल इन लोगों पर आप लोग करते हैं?
हाँ सर, क्या होता है सर, जैसे अपने को अपना कोई क्राइम हो जाता है जी। तो हम लोग पहले मोबाइल की जानकारी मंगवाते हैं, सीडीआर मंगवाते हैं, पूरी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं तो उनकी अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स मंगवाते हैं, जी आईपी एड्रेसेस मंगवाते हैं, आईपी एड्रेसेस को डिकोड करके उनकी जानकारी लेते हैं और फाइनली उनका पूरा एनालाइज करके ये लोग कब कब कहाँ कहाँ इन्होंने रहे हैं, कहाँ कहाँ मूवमेंट इनका हुआ है, इस तरह से हम लोग एक पूरा एनालाइज करके जिस समय इनकी हमें लाइव लोकेशन मिल जाती है तो हम लोग वहां पर जाकर इनको पकड़ते हैं। बैंकों के केसेस में भी ज्यादातर मिलता है, कभी कभी ये लोग ये जो खाते वगैरह रहते पाए जाते हैं ये उनके नहीं होते हैं तो ये किसी दूसरे के खाते यूज कर लेते हैं, तो हम लोग उनके पास जाके पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने के बाद मोस्टली ये वो थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि ठीक है मेरे पास वो एक्स वाई जेड बंदा आया था, जी जी तो हम लोग उन तक अप्रोच कर लेते हैं। फेसबुक ठीक है के मामलों में, अपने सोशल मीडिया के मामलों में जी। संबंधित से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, हाँ जैसे कोई अगर फेक प्रोफाइल बनाई गई है तो किसके द्वारा बनाई गई है, हमें पूरे उनका डाटा वहां से मिल जाता है, यही सेम प्रोसेसर में हम लोग प्रोसेस करके उन तक पहुंचते हैं। ठीक है, आखिर में अब कुणाल जी से मैं बहुत छोटा एक संक्षेप में सर संदेश लोगों के लिए चाहूंगा, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए जैसा मोनाली जी भी बता रही थी कि फेक कॉल्स आते हैं तो मैं तो उन फेक कॉल्स को ब्लॉक करते जाता हूं, तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि फेक कॉल्स जो आ रहे हैं मोबाइल में ब्लॉक फैसिलिटी, आप उन सभी कॉल को ब्लॉक करते जाएं जो आपसे आपका ओटीपी पूछ रहा है, जो आपसे बैंक डिटेल पूछ रहा है, जो आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर पूछ रहा है, इन कॉलों को ब्लॉक करना ही सुरक्षा है, सावधानी। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आज आप लोग चर्चा का हिस्सा बने और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि आप तीनों को जितने भी दर्शकों ने सुना होगा उन सभी बातों को वो ध्यान में रखेंगे। फिलहाल आज इस खास बुलेटिन से, इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।